Hello, hi everyone, welcome back to my channel and I am back with track number 8. Track number 8 क्या है? जैसे ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन होता है पेपर में, ओके? So what you all guys will do, integration by parts, everyone. But this is a trick in which you can just remember the answer. Alright, so what you have to do, first of all, the very first thing you have to take care in this question is X must be there with any suitable powers. ठीक है, suitable कोई भी power के साथ X होना ही चाहिए integration में. So इसका answer हमारे पास क्या है? First of all write X cube, okay? Then the derivative of the X cube it is 3X square, okay? In the third one is the derivative of the 3X square, that is 3 into 2X it will be equals to 6X. Okay, and last it will be the derivative of the 6x is 6, and the very last is the derivative of 6 is 0. इसका मतलब आप लोगों को x की जितनी मर्जी पावर हो जाए तब तक आप लोगों को डेरिवेटिव करते जाना है जब तक आपके पास लास्ट पे एक कॉन्स्टेंट टर्म नहीं बच जाती या जिसका डेरिवेटिव 0 नहीं बच जाता. ठीक है, सो अगर मैं एल्गोरिदम देखूँ तो फर्स्ट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव करते जाइए ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव. ठीक है, टिल यू गेट जीरो. जब तक आपके पास एंड टर्म में जीरो नहीं आ जाता तब तक आपको एक्स का डेरिवेटिव करते जाना है. साथ में नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू विल जस्ट इंटीग्रेट द लेफ्ट पार्ट. सो द इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 3x विल बी ई पावर 3x बाय 3. ओके, एंड देन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, जो ये टर्म पड़ी है नेक्स्ट टर्म में उसका इंटीग्रेशन. जब आपने उसका इंटीग्रेशन किया तो 3 इज अ कांस्टेंट विल कम आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विद 3x बाय 3 का इंटीग्रेशन. नेक्स्ट में इस होल टर्म का, मतलब अगर आप इसको यहाँ लिखते हो या इसको अंदर ही लिख लेते हो तो अगले टर्म में आप क्या करोगे? इस टर्म का इंटीग्रेशन इन द नेक्स्ट टर्म. ओके, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा ई पावर 3x 9 into 3, एंड लास्ट टर्म विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल पार्ट. इसकी होल इंटीग्रेशन ई पावर 3x 9 into 3 into 3. ओके, सो द सेकंड स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इज द इंटीग्रेशन ऑफ द लेफ्ट पार्ट. इंटीग्रेशन करते जाइए लेफ्ट पार्ट की. ओके, लेफ्ट जो मतलब जो भी उसके साथ पार्ट पड़ा है लेफ्ट पार्ट की इंटीग्रेशन करते जाइए. एंड व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज दैट कि जो आपके पास फर्स्ट में इंटीग्रेशन करके आंसर आया है उसको आप सेकंड में करोगे, सेकंड वाले को थर्ड में इंटीग्रेट, थर्ड वाले को फोर्थ में, एंड इट गोज सो ऑन. ओके, एंड द थर्ड स्टेप इज द ऑल्टरनेटिव साइंस. एंड यस, यू गॉट द आंसर. ऑल्टरनेटिव साइंस आर प्लस माइनस. सो दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. सो दिस इज द एल्गोरिथम. सो फर्स्ट इज यू हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टिल यू विल गेट जीरो. ओके, एंड द सेकंड पार्ट है, जो पार्ट बच जाता है उसको आप इंटीग्रेट करते जाइए. बस क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्वियसली ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट में इंटीग्रेशन आया उसको, इसकी इंटीग्रेशन आप सेकंड में करोगे, जो सेकंड में आया उसकी थर्ड में करोगे, जो थर्ड में है उसकी फोर्थ में करोगे, विद अलोंग विद देयर कॉन्स्टेंट्स. ओके, सो दिस वॉज द एल्गोरिदम. लेट्स सी एन अनदर एग्जाम्पल फॉलोइंग द सेम एल्गोरिदम इन दैट ऑल्सो. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू चेक इन एनी क्वेश्चन इट इज your x must be there. Okay, suppose your question is x cube into sine of x. Okay, so the very first step it is the doing the derivative. So it is x cube, then it will come as 3x square, then it will 6x, and then last is 6, and last is obviously 0, which I'm not going to write. Then you have to just do the integration of the left part. What is the integration of cos x, sine x? It is minus of cos x. Then what you will do is integration of minus of cos x. Take this minus as a constant along with you. Okay? And this will be minus of sine x.
Now the integration of minus of sin x will be the cos of x. Okay, because negative is already there, cos sin ka hota hai minus of cos, so it will be there. And then the integration of cos x, it is again minus, it is sin of x. So that's it, your question is solved along with the alternative signs positive, negative. So in three steps, when I'll talk about the algorithm, in three steps you are done with your question. So make sure the thing, okay, इसमें एक चीज ये मैंने आपको यूज करने को बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन और cos x की इंटीग्रेशन. साइन x की इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x प्लस सी एंड इट इज इक्वल्स टू साइन x प्लस ऑफ सी. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ऑब्वियसली वी हैव डन बिफोर. सो दिस इज द एल्गोरिदम. इन दिस वे यू कैन जस्ट यूज द ट्रिक. आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करो इस ट्रिक को. दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज सॉल्व इन लेस देन 1 मिनट. ओके, थैंक यू सो मच. वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट ट्रिक. बाय बाय.